आरबीआई के मुताबिक भारत में सिक्के केवल 4 जगहों पर ही बनाए जाते हैं। ये जगह है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। आप सिक्कों पर बने एक चिन्ह को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि ये सिक्का कहाँ बना है। कई लोगों को इन सिक्कों का कलेक्शन करने का शौक होता है और कई लोगों के पास आपको बहुत से सिक्के भी मिल जाएंगे। लेकिन यारो, कभी क्या आपने सोचा है इन सिक्कों को बनाया कैसे जाता है और भारत में ये सिक्के कहाँ पर बनाए जाते हैं? अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। पर वीडियो शुरू होने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट के मुताबिक भारत में सिक्कों को 4 जगहों पर ढाला जाता है या मिंट किया जाता है। ये जगह है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। आप सिक्कों पर बने एक चिन्ह को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि सिक्के कहाँ बने हैं। हर सिक्के पर उसके मिंट किए जाने वाले साल भी लिखा रहता है। सिक्कों पर लिखे इसी साल के नीचे ये चिन्ह भी बने हुए रहते हैं, जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि ये सिक्के किस जगह पर मिंट किए गए। अगर किसी सिक्के पर एक सितारा बना है तो इसका मतलब है कि इसे हैदराबाद में मिंट किया गया है। नोएडा में मिंट होने वाले सिक्कों पर एक सॉलिड डॉट होता है। मुंबई में मिंट किए हुए सिक्कों पर डायमंड का आकार होता है और वहीं दूसरे और कोलकाता में मिंट किए हुए सिक्कों पर ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं होता। भारत में क्वाइनेज एक्ट 1906 के तहत सिक्कों को मिंट किया जाता है। इस एक्ट की तहत ही भारत सरकार की सिक्कों के उत्पादन और उनकी सप्लाई की जिम्मेदारी आरबीआई को दी जाती है। आरबीआई इस मकसद के लिए साल भर का लक्ष्य तय करता है और भारत सरकार प्रोडक्शन का प्रोग्राम बनाती है। भारत सरकार धातुओं के मूल के आधार पर समय समय पर विभिन्न धातुओं का उपयोग में लाती है। फिलहाल अधिकांश सिक्कों के निर्माण के लिए फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि फैक्ट्रियों में सिक्कों को कैसे बनाया जाता है। सिक्के बनाने के लिए सबसे पहले मशीन में वो खास मेटल के क्रिस्टल डाले जाते हैं जिनसे कॉइन बनाए जाते हैं, जिसे मशीन पिघलाकर एक लंबी और मोटी मेटल प्लेट की बोल्ट बनाती है। इसके बाद इस प्लेट से ये मशीन गोल साइज की सिक्के काटने चालू कर देती है। फिर इन सिक्कों की क्वालिटी चेक करके इन पर पॉलिश की जाती है। इसके बाद इन कॉइन्स पर जिस भी इंडियन रुपी की मोहर छापनी होती है वो ये मशीन अपने हाइड्रोलिक प्रेशर से छापती जाती है। इसी तरीके से सिक्के पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।